चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज कितना देख रहे थे, 8.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना तक, 9 तक कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और सीक्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रम से लंब है। देखिए आकृति दर्शाइए की, तो आकृति देख ली हम लोग, दर्शा देंगे आकृति दे ले है ना। चलो इस तरह से आकृति दे ले है कि नहीं, इस तरह का आकृति है। चलो इसके बाद क्या किया है, मिला ले है, ये दोनों को मिला दिया। उसके बाद यहां से कथी कर दिया है, लंब डाल दिया है कि ना, ये ना किया है। चलिए क्या नाम, पी दे दिया, कैसे दे दिया है, फिर यहां से जो है लंब डाल दिया है, क्या नाम कथी दे दिया है, क्यू दे दिया। इसका नाम बी है, इसका ए है, इसका सी है, इसका डी है, यही है ना। चलिए तो देखिए, तो दिया कथी है, दिया है कि ए बी सी डी कथी है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें लंब भी दिले है ना भाई। एपी लंब दिख रहा है आपको, एपी लंब किस पे है, बीडी पर, तथा सीक्यू लंब भी कथी है, बीडी पर है ना। तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है, दो चीज सिद्ध करना है। देखिए पहला चीज दे रहे हैं कि त्रिभुज एबीपी, सॉरी एपीबी, त्रिभुज एपीबी सर्वांग समूह त्रिभुज का, ठीक है, सी क्यू डी के। दूसरा चीज यही ना, आइए प्रमाण में हम लोग देखते हैं, त्रिभुज कथी में ए पी बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी में, ठीक है। राइटिंग बंद कर रहे हीरो, समझ ना थोड़ा, खाली लिखते रहता है, समझ। चलिए ध्यान दीजिए सवाल, अब देखिए त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी देखिए कहाँ है, ए पी बी यानी ई वाला त्रिभुज, ठीक है, सी क्यू डी यानी ई वाला त्रिभुज, दिख रहा है सबको, यानी इसमें और इसमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो देख रहे हैं कोण ए पी बी बराबर कोण सी क्यू डी, ए पी डी यानी वाला कौन, सी क्यू डी यानी सी क्यू बी, चलो इधर सी क्यू डी इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो इधर लंब होगा ना भाई, इधर लंब होगा, ठीक है ना। चलो तो कितना हो गया, 90 डिग्री के कारण हो गया बराबर। एक चीज फिर गौर से देखो, ए बी पी, ए बी पी, ए बी सॉरी ए बी पी, दिख रहा है ये वाला कौन, और इसमें लिया है ए बी पी, इसमें लेंगे सी डी क्यू, कौन सी डी क्यू, देखो सी डी क्यू यानी ई वाला, तो ई वाला और ई वाला हाई हाई समांतर एकांतर अंतकोण हो जाएगा, लिख सकते कथी है, एकांतर अंतकोण, एकांतर अंत कौन, ठीक है। और भाई गौर से देखिएगा एक चीज, इसमें ले रहे हैं हम ए बी, इसमें कथी लेंगे, अब ये कैसे, अरे बुआ ई वाला त्रिभुज में देखो तो ए बी ले सकते, ई वाला त्रिभुज में देखो तो सी डी ले सकते, और चूंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने का भुजा कथी होता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, सम्मुख भुजा कथी होता है, मतलब बोल सकते समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा कथी होता है, सम्मुख भुजा है, इसलिए कथी हो जाएगा, भुजा इसलिए कथी हो जाएगा बराबर, क्योंकि क्योंकि एबीसीडी कथी है। तो देखिए तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कथी के, सी क्यू डी के, कथी से एंगल 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 साइड सर्वांग क्षमता से, ठीक है, ये एक नंबर प्रूफ हो गया, और दूसरा नंबर भी हो गया प्रूफ, ए पी इसका कथी होगा संगत भुजा होगा, ए पी और इसमें सी क्यू लेते संगत भुजा ना हो गया, जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो संगत भुजा संगत कौन सी कथी से बराबर होता है, सी पी सी टी से, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए उतारिए, कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 11 है, 10 तक तो हो गया, बहुत लंबा लंबा प्रश्न है ना हो। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कथी कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा कि ABC ए जानो त्रिभुज ABC कहाँ है फिगर में देखते चलो, ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है क्या बोला है भाई? बोला है कि AB बराबर DE और AB समांतर D, यानी AB जो है बराबर है कथी के DE के और साथ में समांतर, ठीक है यानी E और E बराबर भी और कथी है समांतर, साथ ही फिर AB बोला है कि AB तो हो गया ना, फिर बोला है BC बराबर है EF, BC कहाँ है देखो भाई, BC बराबर है कथी EF, यानी हाई और हाई बराबर भी है और समांतर भी है, बढ़ाओगे ना तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, बराबर भी है और कथी है समांतर। तो हमसे क्या इसका अपेक्षा है समझो, थोड़ा हमसे क्या चाहता है क्वेश्चन है? हाँ तो क्वेश्चन कह रहा है हाय शीर्षो ए बी और सी को क्रमश शीर्षो डी ई और एफ से जोड़ा गया है, शीर्ष ए बी सी को किससे जोड़ा गया है? डी से, शीर्षो ए बी और सी को कथी से जोड़ा गया है? कथी से जोड़ा गया है इसमें बोला है डी ई एफ से जोड़ा गया, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, डी ई एफ से जोड़ा गया ठीक है, डी ई एफ अब ठीक है। आगे कथी बोला है आकृति देखिए, तो अत्ता जे घुमाया डायरेक्ट कहते आकृति देखिए है कि ना, चलिए तब फिर डायरेक्ट कहता था तू ओकर बतवा ना समझता, जितना कहा कि बरोबर है ठीक है। चलिए तो इतना तो हम लोग समझ गए, अब साबित करने के लिए बोला है कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज, फिर कथी बोला है कि चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज, फिर बोला है AD समांतर CF, AD समांतर CF और AD बराबर CF, फिर बोला है चतुर्भुज ACFD, चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, फिर बोला है कि AC बराबर DF, फिर बोला है कि त्रिभुज ABC और DEF कथी है सर्वांगक्षम है। भाई साहब हमने क्या किया, हमने भी जो कहा वो कर दिया, तो लिखा है हमने कि हम जानते हैं कि यदि चतुर्भुज के एक सम्मुख भुजाओं का एक बराबर तथा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज का होता है। हमने आपको शुरू में बताया कि यदि कोई एक को समांतर और कथी हो गया बराबर, यानी एक को जोड़ा बराबर हो जाए कथी हो जाए समांतर, एक को जोड़ा मतलब हमने सामने वाला कथी हो जाए बराबर हो जाए कथी हो जाए समांतर, तो चतुर्भुज जो होगा कैसा होगा समांतर चतुर्भुज। तो भैया देख लीजिए AB इस बराबर कथी DE और AB समांतर कथी DE देले है, अब किस फिगर में है देख लीजिए, AB बराबर DE, AB बराबर DE और साथ में AB समांतर DE, यानी कह सकते हैं हाई हाई यानी ABED एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो AB अतः चतुर्भुज ABED कथी है समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज है तो देख लीजिए AD बराबर BE हो जाएगा, यानी AD बराबर BE ये साथ में समांतर भी हो जाएगा, ये मात्र एक को दिया था तो इससे तो हम कह दिए कि समांतर और बराबर दिले था, इसके कारण ये कथी हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया, अब समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसके आमने सामने वाला भी बराबर कथी होगा समांतर होगा, तो AD बराबर BE कर दिए और साथ में इसको समांतर करिए, समीकरण कितना मान लिए एक। अब यहाँ पे देखिएगा BC बराबर EF तथा BC समांतर EF देले है, क्वेश्चन में देखो BC बराबर EF और BC समांतर EF देले है, अब देले है तो किस फिगर में है, जिस फिगर में होगा वो फिगर कथी होगा समांतर चतुर्भुज होगा। आइए खोजते हैं इसको, BC बराबर EF, BC किधर है भाई साहब, BC और बराबर कथी EF, यानी कह सकते हो ये फिगर दिख रहा है तुमको ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कह सकते हैं BC यानी CBEF चाहे जो भी नाम दे ले इसको, देख लो ये फिगर दिख रहा है ना तू, यानी हम कह सकते हैं ये फिगर वाला जो चतुर्भुज यानी BEFC ना कथी नाम ले BEFC ये कथी है समांतर चतुर्भुज है, तो फिर वही बात हाई और हाई दिया है ना बराबर, देखो तो कि हाई और हाई दिया, हाई हाई दिया बराबर, देखो तो क्वेश्चन कथी दिया BC यानी हाई हाई समांतर बराबर दिया ना, तो हाई हाई भी हो जाएगा समांतर चतुर्भुज होने के कारण, यानी ई और ई फिर हमने लिख दिया कि BE बराबर CF तथा BE समांतर CF, समीकरण कितना हो गया 2 और समीकरण 1 और 2 से कुछ देखो कुछ तो है गड़बड़ गया, ये देखो दिख रहा है एक कहां है हियर समांतर भी दिख रहा है, अब हम क्या करने से यहां समझो BE के बराबर में कथी है
एडी है, दिख रहा है दोस्त, इधर बी के बराबर में गति है सी एफ है, यानी हम कह सकते हैं। और फिर जो है इसमें तीनों गुना चीज है, यानी गोतिया जो है कथी है, तीनों बराबर है, तो हमको जो साथ लिखना होगा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए कथी, यहाँ पे लिख दिए एडी इसके भी बराबर है, एडी इसके भी बराबर है, साथ में बीई समांतर कथी दिले है, देखो तो गौर से इसमें एडी दिले है, अरे पहले लिख दिए इसको, इसको कोई मतलब नहीं है, दिले है ना, और साथ में ये भी समांतर दिले है, कुछ और दिले है, समीकरण दो में देखो तो कथी दिले है सी एफ, यानी कह सकते हैं कि ई भी समांतर दिले, तो जो जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे गौर से देखिए, हमको जैसी जरूरत पड़ेगा वैसे, तो हमने लिख दिया है कि यहाँ पे एक तथा दो से कथी एडी समांतर सी एफ, क्या लिख सकते हैं एडी समांतर सी एफ, नहीं लिख सकते इससे, चलो फिर लिख दे कि एडी बराबर सी एफ, क्या नहीं लिख सकते एडी बराबर लिख दिए, समीकरण एक था कैसे दूसरे, अब जिस फिगर में होगा वो फिगर कथी होगा आपका समांतर चतुर्भुज, देखिए खोजिए, क्यों भाई एक ही गुना जोड़ा हमको चाहिए समांतर करने के, समांतर चतुर्भुज करने के लिए, एक जोड़ा तो मिला एडी समांतर सी एफ, एडी समांतर सी एफ यानी ए सी एफ डी, हाई हाई बराबर समांतर दे देते हैं ए सी एफ डी, जो चतुर्भुज आपका है ये कथी बन गया समांतर चतुर्भुज, अतः चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। फिर वही बात गौर से देखिए, यहाँ पे इसका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा, तो हमने लिख दिया AC बराबर DF, अब ये AC कहाँ है, देखिए AC है और ये कथी है DF है, हाई बराबर हो जाएगा। अब देखिए बस कहानी इतनी है कि त्रिभुज ABC में आइए, त्रिभुज DEF में आइए, त्रिभुज ABC और DEF मिल गया सबको, अरे हाई और हाई, ठीक है। तो भैया AB बराबर DE दे ले है, देखना लो ए सी बराबर डी एफ, सॉरी सॉरी बी बी सी बराबर ई एफ देले है, बी सी बराबर ई एफ देले है, और अभी साबित किए ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, साइड 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 सर्वांग सर्वांग समता से कथी हुआ त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। अब देख लो कहाँ एक नंबर तोड़ साबित हुआ है, से एक नंबर कथी खोजा कहा था ए बी ई डी, ए बी ए बी ई डी एक नंबर हो गया साबित, लिख लो। दो नंबर कथी बोला था बी ई एफ सी, बीई एफ सी, बीई एफ सी, दो नंबर यहाँ लिख लो, ठीक है हो गया साबित, प्रूफ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक नंबर ये है ना, एक नंबर ऊपर, अरे है ना है एक नंबर साबित कर। अब तीन नंबर में कथी साबित करना था तुमको, एडी समांतर सी एफ, एडी समांतर सी एफ, एडी समांतर सी एफ है ना, थर्ड नंबर ये हो गया आपका प्रूफ। एंड फोर्थ नंबर क्या बोला था भाई साहब कि चतुर्भुज ए सी एफ डी, चतुर्भुज ए सी एफ डी, ये हो गया आपका फोर्थ नंबर, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर क्या बोला था ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, ये हो गया फिफ्थ नंबर, बोलो कोई दिक्कत। और सिक्स नंबर बोला था त्रिभुज ए बी सी समांतर सर्वांग सम त्रिभुज डी एफ की है ना, लो भाई। और इसी के साथ आज का क्लास जो हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ठीक है, चलिए।